सनातन धर्म में हर साल सावन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन को सावन पूर्णिमा भी कहते हैं। यह भाई बहन के लिए विशेष पर्व होता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं और उन्हें राखी बांधती हैं। इस साल रक्षाबंधन पर भद्राकाल और पंचक दोनों लग रहे हैं। ज्योतिष में इस दौरान भाई को राखी बांधना उचित नहीं माना गया। आइए जानते हैं रक्षाबंधन 2024 को किस तिथि और कौन से मुहूर्त में मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार 19 अगस्त 2024 को सुबह 3:08 पर पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा और जो रात को 12:32 पर समापन होगा। ऐसे में रक्षाबंधन के दिन बहने भद्राकाल समाप्त होने पर दोपहर 1:35 से लेकर शाम को 5:30 तक अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं। इसके बाद पंचांग लगने के कारण राखी बांधना शुभ नहीं रहेगा। राखी बांधने के लिए सबसे पहले थाली में रोली, अक्षत और मिठाई रखें। अब सबसे पहले भाई के दाहिने कलाई पर राखी बांधें, क्योंकि इस हाथ पर राखी बांधना ही शुभ होता है। अपने भाई को मिठाई खिलाएं। आप उसकी सुख समृद्धि की कामना करते हुए भाई की आरती उतारें। इस दौरान भाई को बहनों के चरण भी स्पर्श करने चाहिए, ऐसा करना शुभ होता है। तो इस साल आप भी अपने भाइयों को राखी बांधें और उनकी लंबी आयु की कामना करते हुए भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। जय हो राधे कृष्ण जी।